अस्सलाम वालेकुम सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का वेलकम है। तो इस वीडियो में बात करेंगे बीए बीएससी एडीपी पार्ट वन पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप सब ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करना है। तो ये आप लोगों के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ये बात याद रखिएगा। और लॉन्ग के अंदर कुछ साथ साथ जो है वो छोटी चीज़ें भी पूछी जाती हैं, यानी कि एक मुकम्मल सवाल होने के लिए जो है ना वो साथ एक तरीफ भी पूछ लेते हैं और साथ उसकी डिटेल भी पूछ लेते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा इसी में से, ठीक है। इल्मे सियासियात की जो तरीफें हैं वो आपने करनी है। मुंतखब नुमाइंदों के कोई चार फ़राइज बयान करें, इक्तदार आला की चार इकसाम, वफाक की कामयाबी की चार शराइत बयान करें, सियासी जमात के चार फ़राइज, शहरी के चार फ़राइज, हकूक की दो तरीफ़ें, इंतखाब के चार तरीके, रियासत के अनासर और दो तरीफ़ें, आज़ादी की चार इकसाम और दो तरीफ़ें, कानून के चार माखज़ बयान करें, जमहूरियत की कोई चार खूबियाँ बयान करें, आमरीत की चार खामियाँ बयान करें, इस्लामी फलाई रियासत के चार फ़राइज बयान करें, वाकई और कानूनी इकतदार आला में फ़र्क लिखें, इंतज़ामिया के चार फ़राइज बयान करें, अतलिया के चार फ़राइज और नीम वफाक पर नोट लिखें, मकन्ना के चार फ़राइज जो है वो बयान करें, सदारती तर्ज हुकूमत की चार खसूसियात बयान करें, ठीक है। उसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। इल्मे सियासियात की तरीफ़ करें, उसका फ़ायदा, अहमियत और वसअत भी बयान करें, रियासत की तरीफ़ करें, उसके लाजमी अनासर तफसील से बयान करें, कानून की तरीफ़ करें, उसकी मुख्तलिफ इकसाम और मौक़िफ़ भी बयान कीजिए, सियासियात की तरीफ़ और उसकी इफादियत बयान करें, एक सियासी रियासत में गैर मुस्लिमों के हकूक़ बयान करें, एक फलाही रियासत के फ़राइज़ बयान करें, आज़ादी की तरीफ़, उसकी कामयाबी की शराइत को तफसील से बयान करें, आज़ादी से क्या मुराद है उसकी इकसाम बयान करें, आज़ादी की तारीफ़ और उसके तहफ़ुज़ात को तफसील से बयान करें, एक जमहूरी रियासत में मुकन्ना के फ़राइज़ तहरीर करें, जमहूरियत की तारीफ़ और उसकी खूबियाँ और खामियाँ बयान करें, सियासी जमात की तारीफ़ करें, उसके अहम फ़राइज़ भी बयान करें। इलेक्शन क्या है, बिला वास्ता और बिल वास्ता इंतखाबात की अहम खसूसियात बयान करें, इस्लामी तसव्वुर हाकमियत की वजाहत करें, वफाकी निज़ामी हुकूमत की खूबियाँ और खामियाँ बयान करें, वादानी तर्ज हुकूमत की खूबियाँ और खामियाँ बयान करें, फैशियम और कम्युनिज्म के बुनियादी असूल बयान करें, पार्लिमानी और सदारती तर्ज हुकूमत की खूबियाँ और खामियाँ बयान करें, मफादाती ग्रोह की तारीफ़ करें और सियासी इक़दार के तरीके लिखें, इक़्तदार आला की मुख्तलिफ इकसाम और खसूसियात, एक जमहूरी रियासत में अदलिया की आज़ादी को किस तरह मुमकिन बनाया जा सकता है, इश्तराकियत यानी कि सोशलिज़म और फसादियत के बुनियादी असूल बयान करें, आमरीत एक बदतरीन निज़ामी हुकूमत है, क्या आप इतफाक़ करते हैं, जमहूरियत की कामयाबी के लिए शराइत बयान करें, सियासी जमातों के फ़राइज़ बयान करें, एक जदीद जमहूरी रियासत में सियासी जमातों के किरदार की वजाहत करें, इज्तमालियत का तसव्वुर और राय आमा के इजहार के ज़राए बयान करें, राय आमा की तारीफ़ करें और मौसर राय आमा के लवाजमात तहरीर करें, मंदरजा ज़ैल पर नोट लिखें, इज्तिहाद, इक़्तदार आला के इकसाम, राय आमा, मार्क्सिज़म, सियासी जमातों के फ़राइज़ बयान करें। सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही मजीद अपडेट्स यहाँ पे आप लोगों को मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।